ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। बाबा ने कहा बैठो बच्चे, अब बाबा कैसे बांटेगा बुला के, फिर बाबा खुद उठ के जाए बांटने, तो बाबा ने फिर क्या किया, फेंकना शुरू किया पेड़ा। और तब जमीन होती थी, सब बैठते थे, हम आगे बैठे, हम छोटे, दौड़ दौड़ के हमने 5 पेड़े ले लिए। इधर गिरे तो उठा लें, उधर गिरे तो उठा लें, कैच कर लें। हो गया ठीक है। फिर बाबा ने मुझे बुलाया, कहा बच्ची कितना पेड़ा लिया है। हम इतने खुशी के मारे बोले, बाबा 5 पेड़े लिए हैं। बाबा कहता, बच्ची तुमने सोचा कि जितने भाई बहन बैठे थे तुम्हारे, उतना गिनती का पेड़ा था, तो ये 4 पेड़ा तो तुमने दूसरों का हक मारा है। हमने कहा बाबा आपने लुटाया, हमने लूटा। कहा लेकिन कायदा कहता है कि 4 पेड़े लाके बाबा के पॉट में आगे छोड़ दो, जिसको नहीं मिला वो लेगा। फिर मैंने 4 पेड़े बाबा के उसमें रख दिया डोंगे में, और 1 पेड़ा खाया। तो उस दिन से ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं, हमारा सब परिवार है, सबका बराबर का हक है, किसी के हक का कोई भी नहीं कर। तो इस तरह से मना, ये छोटी छोटी बातों में बाबा से सीख मिलती गई और जीवन में धारणा बनती गई, पेड़े की बात आई। तो ऐसे बाबा ने एक दिन क्लास में पूछा, जो पार्टियां आई थी घर वालों से तो नहीं, तब रिफाइन तेल वगैरह नहीं चलता था, डालडा चलता था। बाबा ने कहा कौन बच्चे हैं जो देसी घी का खाना अपने घरों में खाते हैं, तो 2-3 ने हाथ उठाया। अब बाबा ने पूछ तो लिया, लेकिन यज्ञ में इतना प्रबंध भी तो हो ना, जो देसी घी का बनवा के दे उनको, और जो बन रहा भंडारे में सभी खा रहे हैं। तो फिर बाबा ने दूसरे दिन, पता है मुरली चलाई, एक पेपर था ये भी सबका। बाबा ने कहा बच्चे योग बल से कलयुग की दुनिया को सतयुगी बना सकते हैं, नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, तो योग बल से डालडा घी को देसी घी का रूप नहीं कर सकते। तो भावना रखो, हम क्या ले रहे हैं, जैसी भावना होगी वैसा तुम्हें तंदुरुस्ती बनेगी।